नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के थाना भवन के मेला गुगाल के विराट दंगल में पहुंचे नगर पंचायत थाना भवन के चेयरमैन प्रत्याशी शमशाद अहमद ने पहलवानों को सम्मानित किया। थाना भवन कस्बे के ऐतिहासिक मेले गुगाल में दंगल का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न स्थानों से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। रविवार को भी मेला ग्राउंड में दंगल का आयोजन हुआ। चेयरमैन पद के प्रत्याशी शमशाद अहमद ने दंगल के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि मेला गुगाल कस्बे की ऐतिहासिक परंपरा है। हर साल इस धार्मिक आस्था की परंपरा को बेहतर तरीके से संपन्न कराने में सहयोग देना चाहिए। कुश्ती भारतीय खेलों की शानदार परंपरा है। हम सभी को इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। उन्होंने पहलवानों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे कड़ी मेहनत करें और देश का नाम रोशन करें। शमशाद अहमद ने पहलवानों की हौसला अफजाई करते हुए इनामों की बौछार करते हुए विजय पहलवान अल्तमश को शमशाद थानवी ने 1100 रुपए के नगद पुरस्कार से नवाजा। वहीं काली पहलवान मुंडेट को 500 और भी बहुत पहलवानों को इनाम से नवाजा। इस मौके पर दंगल कमेटी को भी 7100 रुपए से सम्मानित किया। इस मौके पर इसरार राव, सभासद तंजीम, सभासद वसीम त्यागी, सभासद अकील, सभासद मुस्तकी मंसूरी, हाजी अकील आदि लोग मौजूद रहे।